गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड सेफ एट होम इन दिस पैंडमिक। सो वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नर्सिंग एंड माय सेल्फ मिस्टर वैभव भोसले फ्रॉम प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो आज हम एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ाई करने जा रहे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज़ रिलेटेड टू द म्यूकर माइकोसिस। तो आजकल सुना होगा आपने म्यूकर माइकोसिस, बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे, जैसे कि ये पर्टिकुलर पिक दिखाता है, लाइक फ्रॉम टाइम्स नाउ न्यूज़ हो या बाकी कोई भी न्यूज़ हो, म्यूकर माइकोसिस बहुत बढ़ गया है, ब्लैक फंगस है, पोस्ट कोविड में आता है, एट लूज आईसाइट इन सूरत गुजरात, मतलब बहुत सारे जगह पे आप सुन रहे हो म्यूकर माइकोसिस। तो एक कोविड एंड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट इज दैट, व्हाट इज म्यूकर माइकोसिस? इट्स अ ब्लैक फंगस, इज अ रेयर फंगल इन्फेक्शन। सो बट म्यूकर माइकोसिस इज प्रीवियसली कॉल्ड एज जाइगोमाइकोसिस ऑल्सो। इट्स अ सीवियर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्ड्स और फंगाई कॉल्ड एज म्यूकर माइसाइटिस। मतलब म्यूकर माइसाइटिस से ये यूजली स्प्रेड होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट म्यूकर माइकोसिस। हु इज़ मोर वल्नरेबल, मतलब किसको यूजली आता है? तो फर्स्ट इज वीक इम्यून सिस्टम, देन डायबिटिक पेशेंट, पेशेंट विथ मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, पोस्ट कोविड में भी हो सकता है, और इसका इंसिडेंस 1% है। वीक इम्यूनिटी, लाइक आपने न्यूट्रोपेनिया, कैंसर पेशेंट देखा होगा, डायबिटिक पेशेंट जिनका भी शुगर ज़्यादा होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइक देर आर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा होता है। तो दोज आर द पीपल हु आर वल्नरेबल। तो इसके सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स दो तरह के हैं, अर्ली सिम्टम्स एंड लेट सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स में फीवर, नेजल ब्लैक स्पॉट देख सकते हो, पैलेटाइन ब्लैक स्पॉट देख सकते हो, ऑर्बिटल स्वेलिंग और पैराथेशिया, मतलब प्रिकलिंग सेंसेशन भी हो सकता है ओरल कैविटी में, डर्माटाइटिस देख सकते हो, स्किन इन्फेक्शन, कफ, ये सारे अर्ली साइन एंड सिम्टम हैं। तो ये थोड़ी डेंजर ही है, बट ये फर्स्ट डे से 14 दिन तक ये यूजली दिखने लगते हैं। तो दीज आर द अर्ली साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट कमिंग टू द लेट सिम्टम्स। लेट सिम्टम्स कौन से? होल इन पैलेट, पोस्ट ऑर्बिटल पेन, ऑर्बिटल कैविटी में पेन होता है, देन चेस्ट पेन भी होता है, यूजुअली चेस्ट पेन इज अ वेरी कॉमन सिम्टम इफ इट इज पल्मरी म्यूकोसिस, देन अब्डोमिनल पेन भी होता है इफ इट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसिस। तो ये है लेट सिम्टम, ये 14 डेज के बाद आपको दिखाई देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेजो सेरेब्रल दैट अफेक्ट सरब मीन्स मेनली ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसिस ये अब्डोमिनल कैविटी को अफेक्ट करता है, मायोकार्डाइटिस फॉलोड बाय MI, दिस विल अफेक्ट हार्ट, पैलेट, ओरल कैविटी एंड लास्टली इट विल डिसिमिनेट इन होल बॉडी, मतलब पूरा का पूरा बॉडी को ये कवर लेता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डेंजरस फंगल इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या है? यूजुअली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ऑक्सीजन नेजल कैनुला, देन अनहाइजीनिक एरियाज विथ लेस एयर ट्रांसमिशन। तो ऑक्सीजन डालने से कंटिन्यूसली एक ड्राई एयर हो जाता है, अनहाइजीनिक एरिया तो आपको मालूम है, देन एयर ट्रांसमिशन जिधर कम होता है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन डोज ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलॉन ज़्यादा लेने से भी ये होता है, 40-60 mg टू डोजेस के उसके ऊपर लिया तो भी होता है। डायग्नोस्टिक मेथड, देर आर मेनी डायग्नोस्टिक मेथड, बट कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक मेथड इज बायोप्सी। बायोप्सी करने से ये पता चलता है कि म्यूकर माइकोसिस है या नहीं। इज म्यूकर माइकोसिस अ कॉन्टैजियस, मतलब ये स्प्रेड हो सकता है क्या? तो नो, इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल वन, बट म्यूकर माइकोसिस कैंट स्प्रेड बिटवीन पीपल और बिटवीन पीपल। सो ये पीपल के मतलब इन बिटवीन नहीं होता, बट डेंजरस ही है, अवॉइड करना अच्छा है। तो व्हाट इज प्रिवेंशन? प्रिवेंशन इज ट्राई टू अवॉइड एरियाज विथ लॉट ऑफ डस्ट, लाइक कंस्ट्रक्शन साइट, एक्सक्यूएशन साइट, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाटर डैमेजिंग बिल्डिंग्स लाइक फ्लड वाटर, नेचुरल वाटर, एंड क्लीन स्किन इंजुरीज वेल विथ सोप एंड वाटर। इंजुरीज को ऐसे ही मत करो, और जो भी इंजुरीज हुए स्किन को गार्डनिंग नहीं करना चाहिए, डस्ट को छूना नहीं चाहिए। कमिंग टू द ट्रीटमेंट आस्पेक्ट, एंटीफंगल इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर दिस, लिफोफ्यूसिन, एम्फोट्रिन बी एंड IV फ्लोकोनाजोल, ये एंटीफंगल देते हैं। इसके बावजूद भी अगर हुआ तो आई सर्जरी करते हैं, दैट इज एनिक्लिवेशन, रिमूवल ऑफ आई दैट लीव्स द आई मसल एंड रिमेनिंग ऑर्बिटल कंटेंट इंटैक्ट, मतलब आँख निकालते हैं बट उसके मसल्स और जो भी कंटेंट रहते हैं इंटैक्ट रहते हैं। तो कमिंग टू द समरी, सो हमने देखा न्यूज़ में कैसे पोस्ट कोविड में ये म्यूकर महसूस होता है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे भी कैंसर पेशेंट बोल सकते हो, टीबी पेशेंट बोल सकते हो, उनको कैसे फैलता है, डायबिटिक पेशेंट को भी कैसे फैलता है, ब्लैक स्पॉट क्या है, पैलेटाइन ब्लैक स्पॉट क्या है, कफ कैसे ये स्प्रेड करता है, इसमें नेजल और ऑक्सीजन थेरेपी कैसे देते हैं, एंटीफंगल क्या है और एनिक्लेशन क्या है, ये सब हमको टाइम ही बताता है। एट प्रेजेंट इंसिडेंस इज ओनली 1%, बट डोंट टेक इट लाइटली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर चैनल, प्लीज डू लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक, एंड आपके जो भी कलीग्स को भी शेयर करो, इट्स अ वेरी सीरियस वन, डोंट टेक इट लाइटली आफ्टर पोस्ट कोविड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पर्टिकुलर वीडियो।